अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चेंज हो गए और बाहर आदमी नेम का प्लेट लेके इंतजार कर रहा है, तो हमने बोला कि यहीं से चेंज करते हैं और यहीं से मस्त फिर नाश्ता करने जाते हैं और उसी के साथ सिटी टूर पे भी जाके फिर हम होटल जाके आराम करेंगे और शाम को पार्टी करेंगे। अभी फिलहाल तो निकल रहे यहाँ से बाहर। एक नंबर लग रहे मम्मी लोग। ये डैडी के पसंद का शर्ट है। ऑन बारिश, यहाँ भी बारिश फुल ऑन है। चलो सामान भी हो गया लोडेड, गाड़ी भी आ गई, अब हम जा रहे हैं घूमने बाहर के लिए। वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ की यार पुलिस की गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। क्या मस्त लग रहा है ना। ब्यूटीफुल है, ये तो देख। वाओ, गौतम बुद्ध का मूर्ति का स्टैचू है, मेटल का पूरा। सो ब्यूटीफुल ना। अभी किधर? अभी पहले यहाँ के मैंने इतने फ्रूट्स देखी हूँ गूगल्स पे और इतने टाइम से देखी हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पहुंचूंगी। सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे कौन से फ्रूट यूनिक मिलते हैं हम लोगों को। फरक है दोनों में। कड़क है ना, कड़क है थोड़े से। ये लो, बहुत टेस्टी है ना। चलो ये भी टेस्ट करो, ये वाला बताओ, ये भी अपने इंडिया में नहीं मिलता है। ये क्या? अरे सीताफल है। नहीं कुछ अलग है, जो अपने इधर नहीं मिलता है। सही है, सब लीची टाइप के ही है, डेरी नहीं रहेंगे खट्टा है। एंड व्हाट लॉन्ग कैन एवरीथिंग लॉन्ग 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 जैकफ्रूट। अरे ये तो जैकफ्रूट फनस बोल रहे हैं, फनस जैकफ्रूट। हाउ मच केजी? ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगे? ब्रेकफास्ट में बिल्कुल अलग चीज खानी। पराठा? पराठा ने घी सूरती खाना खाना चाहोगे क्या आप थाईलैंड में भी? इंडियन ड्राइवर को बोले कि इंडियन स्पेशल इंडियन फूड, बेचारा सर्च करके लेकर आया क्योंकि इन्होंने उनको सिगरेट पिलाई ना। इतने बड़े बड़े शॉप है पर इंडियन टी नहीं है। अभी उनको हमने समझाया तो बोले शुगर अलग से देंगे, आप ऐड कर लेना। मतलब ओके,
बड़ा बना के दो, तो वो एक पेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, अच्छा लगा, एक और लेंगे नहीं तो फिर होटल जाके। पर अभी थोड़ी सी चाय की तलब है और चाहिए। चाय नहीं है भाई, शरबत है। सुलेमानी चाय बना के लाया उसने, शुगर वगैरह, मैंने उसको बोला दूध चाहिए, दूध ला के इसमें डाल दिया। उसने सुलेमानी चाय जैसे होती ना हल्की वाली, उसके साथ हम लोगों ने शुगर ऐड करा है और उसके साथ में दूध ऐड करा है, और ये बिल्कुल पानी। कैसा टेस्ट है? ठीक है, अभी तलब लगी है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। लोग हैं, हम लोगों को इंडियन खाना ही पसंद आएगा, चाय तो हमें पसंद नहीं आई, तो हम जा रहे हैं बर्गर, हाँ बर्गर किंग, वहाँ पे नाश्ता करेंगे। चाय तो अभी जैसी है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जगह सिलेक्ट की हमने नाश्ता करने के लिए। अमीन तो गया अपना कुछ देखने के लिए, और अयूब बोले मुझे समझ में नहीं आता तू क्या खाएगी, चल आप पहले तो ऑर्डर कर दे। तो चलो फिर ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते। 214 भात का ये एक बर्गर है बर्गर किंग में, और यहाँ ये जो करेंसी है इंडिया की 650 रुपया, 650 का एक बर्गर है ये, और ये एक टी 250 रुपये की, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे तो। और हम मैंने अपने लिए कैपेचिनो ऑर्डर किया है क्योंकि इधर फ्रापे है ही नहीं यार, एंड या थैंक यू, एंड इधर आइस लाते कैपेचिनो अमेरिकानो है, फ्रापे जो चाहिए वो है नहीं, थैंक यू। क्या लिया? इधर तो फ्रापे था ही नहीं, मैंने वो लिया कैपेचिनो। और ये शुगर? अब तो गलत शुगर ले लिया था। हम लोग का तो हो गया ब्रेकफास्ट, मेरे को नहीं खाना है कुछ, तो सिर्फ यही पिएगा। चल पी ले। माय न्यू फ्रेंड, tell us where we are going first. Tiger Kingdom first. Then? And then, Tiger Kingdom first, okay. And then Elephant Camp. Okay, Elephant Camp. Big Buddha. Big Buddha. Yeah. Yeah, okay. Daddy, kya kar rahe dekh jara. Haath dikha to. Smoking. Sahi hai, sahi hai. Smoking man. टाइगर किंगडम की एंट्री हो चुकी है हमारी। सो व्हाट शी इज टेलिंग, सो हेलो व्हाट शी वाज टेलिंग यू माय फ्रेंड, हेलो। चलो अंदर एलिफेंट कैंप में, आपका स्वागत है। जुमांजी आ गया अपन सीधा, मस्त ले ले, वेरी गुड, अच्छी लगी, मस्त लगी, पिछले कलर की देख के ले लो, ये अच्छी लग रही, मस्त लगी, पिछले कलर की देख के ले लो। नमस्ते, मुंबई, या फ्रॉम मुंबई ब्रो, मुंबई इंडिया, इंडिया, वेलकम, वी लव इंडिया, वेलकम, नमस्ते, हेलो वेलकम, वेलकम टू थाईलैंड, यस नमस्ते बॉस, लिटिल वॉक, हेलो हेलो, रिलैक्स रिलैक्स,
Very nice. No problem. Boss. Bulbul. Bulbul. Actions. Hello, bhaiya. Welcome. Come on. Hello, Bulbul. Bulbul. Hello. You say hello. Mua. Oh, boy. Very nice. Yeah, very nice experience. Thank you so much. You move legs. Madam. तोड़ लिए चल रहे हो गो कार्टिंग जो अपन लोनावला में किए थे गुच्छा तोड़ के ये मैं स्कूल में छोटी थी जब लेके खाती थी ये आंवला कहां इसको क्या पता अरवंदा या करवंदा कुछ करवंदा क्या बोलते हैं इसको अरे अभी तो मैंने तेरे ये मैं चीज वाला आपके लिए क्या लो डैडी मस्त है एकदम नूडल्स मम्मी के लिए सुशी यस ये मम्मी के लिए स्पेशल लिया है मैंने मम्मी सो गए हो क्या मम्मी तो सो गए अंदर दिख रहा है आपको सो गए थे क्या चलो ये आपके लिए स्पेशल है मुझे आपको पसंद है ना खट्टा खट्टा रसबेरी फ्लेवर सुशी क्या क्या डिजाइन में बनाया है ना वो ये क्या है सैल्मन है शायद ये राइस और सैल्मन और ये तो मस्त चिकन आलू है नहीं अच्छे रेडियो खाना अपना मिल जाता है इंडियन सपने अपने अपने दिल की बातें लिख कर गई है यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे यार हर कोने पे हर जगह पे ये लिखे हुए हैं और पता नहीं कितने लोगों ने अपने दिल की बातें लिखी है वो जानते हैं किसकी दिल की बात कब पूरी होगी या हो गई होगी जाने तो जरा भी मन नहीं कर रहा ना बहुत एकदम सुपर दिखता क्या आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं पूरा दिखाने पर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत थक गए नेचर की इतनी खूबसूरती इतनी खूबसूरती है जाने मन ही नहीं कर रहा था तो अयुब बड़े भी दिल कर रहा था बैठ जाना गोरी थोड़ा देर फिर इसलिए हम लोग बोले कि चलो थोड़ा देर बैठते और इतनी अच्छी यहाँ पे सब चीजें बनी है
सुकून सुकून और बहुत ज्यादा खुशनुमा। थैंक यू दोस्तों। लाइट या वेट टू ऑन द लाइट। यस इट नॉट देयर। नॉन नहीं मैं करूंगा अपना बाजू मेरी नहीं जानते बाकी वो कूलिंग बहुत ज्यादा है। इसको बोल ऑफ कर देना। बहुत ज्यादा कूलिंग है यू यही तो कुछ भी बन जाती है। और लाइट्स है। ये हमारा रूम है हमारे बाजू का रूम हमारे बेटे का है पर ये यहाँ पे कनेक्टिंग है। ये मैं खोलूंगा नहीं बट हम जब चाहे तब हम उसके रूम में जा सकते हैं पर वो हमारे रूम में नहीं आ सकते। अभी तो इतना मजा नहीं आ रहा होगा लेकिन मॉर्निंग में इसका व्यू देखने जैसा होगा। एक नंबर दिखेगा पहाड़ देखो यहाँ लाइट जलाना रूम हाँ सही थे। हाँ बहुत मस्त है सुबह का नजारा। इंशाल्लाह कल सुबह का प्रोग्राम तो है और अभी भी है बहुत थक गए जब से हम घर से निकले अभी जस्ट रूम पे पहुंचे बट रात को भी इन लोगों ने कुछ प्रोग्राम रखे हैं। और ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे नहीं पता है मुझे भी पता है कि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे का स्पेशल कुछ चीज़ रखी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ है कि नहीं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस ये दिखाने वाली बात होती है और मुझे नहीं पता मुझे सब पता है मैं बहुत खुश हूँ। हवा से ही महसूस हो रहा होगा ना क्योंकि यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। और पिछले साल मैं थी गोवा में इस साल फुकेट में फुकेट थाईलैंड तो अब पता नहीं अगले साल जिंदा रहूँ तो कहाँ रहूँ और रहूँ भी नहीं रहूँ भी कुछ पता नहीं है। पर जितने दिन भी जो चीज़ें मिली है अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने इतने प्यार करने वाली फैमिली इतने प्यार करने वाले बच्चे और इतना प्यार करने वाला शौहर दोस्त दूसरी बार मेरे सर पे अल्लाह पाक ने अता किया है। अल्लाह का बहुत एहसान है परवरदिगार का। और आज की कुछ इन लोगों ने प्लानिंग किया था मैंने इनके प्लानिंग पे पानी फेर दिया सच्ची खुदा। मुझे यहाँ पे सब ये जो केक है सब अरेंजमेंट है सजावट मुझे नहीं पसंद। मैंने बोला चलो वही पैसे से हम जाते स्ट्रीट फूड खाते घूमते फिरते थोड़ा इंजॉय करते यहाँ पे नहीं करना है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट तो वो हुआ कैंसल। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। अरे डोसे टाइप बना के देते हैं। हेलो पापा मैं आपको कॉल किया था ना क्या है वो क्या है वो वो क्या स्क्विड स्क्विड वो जो गोवा में मिलता है ना स्क्विड ये भी ऐसे भी मेरे को पसंद है ना फिश। हाँ
अच्छा लग रहा। वो एग पूछ के गया ना उसने, एग डालू क्या इसके अंदर? उतने थोड़े सॉफ्ट रहते ना यहाँ के राइस, अपन वो सुशी खाए सब सॉफ्ट ही रहते ना। टेस्ट करूँ मैं भी, मैं फिश का इंतजार कर रही हूँ। दिस वाओ, ओके थैंक यू। व्हाट इज दिस? ओ ऑयस्टर्स खाएंगे ना आप? ये थोड़ा स्पाइसी बोली हुई मैंने। बस करो, तूने क्या मंगा? जो आप देख रहे थे कि हमने पसंद की वो फिश है ये, और ये सब जो आज हम खाना खा रहे हैं ये मेरी बर्थडे की ट्रीट है। ये अयूब के और अमीन के पसंद की चीज़ें। ये अयूब को पसंद है फिश, और अयूब इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं खाती हूँ, और ये अमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने इसको खिलाया था गोवा में, तब से हम लोग ये खाते हैं, है ना? तो बस अब ये स्नैक्स ही खाने वाले, आज हमारा कुछ मूड नहीं है। एक तो फ्राइड राइस पहले खा लिए, अब हम खाएंगे स्नैक्स सब। खाली शौक से मंगाते, खाने को तो बिल्कुल नहीं होता, ये सब छोड़ दिए इधर ही। इतनी शौक से अमीन ने मंगाया, फिर अमीन की अचानक तबीयत ख़राब हुई, उसको बुखार जैसा, वॉमिटिंग जैसा हो रहा क्योंकि कल रात से जगी हुई। कल हम जब घर से निकले तब से जागरण है, और अयूब ने तो सिर्फ फ्राइड राइस और थोड़ी सी फिश खाई, और मैंने भी थोड़ी सी फिश खाई, पर नहीं दिल चाह रहा, बस हो गया हमारा, अब निकल रहे यहाँ से। तो चला गया और फिर हम लोग ने भी तो खाना छोड़कर आ गए, लेकिन तबीयत थोड़ी सी हमारी भी नरम हो गई है क्योंकि हम अक्की रात जगे और दिन भर फिर थक गए सब घूम फिर के, पूरा दिन घूमे इसलिए हालत थोड़ी, और मौसम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है ना, क्या बहुत ज्यादा। बाहर तो देखेंगे एसी की जरूरत नहीं है, एकदम चिल। तो अभी फिलहाल तो ब्लॉग यहीं एंड करते क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि आगे जाके कुछ शूट करें, क्योंकि कल सुबह का भी प्रोग्राम है, जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हमें जाना है, गाड़ी आने वाली है। तो अभी फिलहाल के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में कुछ और चीज़ें दिखेगी आपको, तो देखना ज़रूर। और बस हमें हमेशा अपनी दुआओं में, प्यार में याद रखना। मैं तो हमेशा ही आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।